बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर की सीरीज़ के अंदर और वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज बात करने लगे जी अंडरस्टैंडिंग द प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट इन यूएस, कि अमेरिका के अंदर इस टाइम पे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स हैं उनकी हेडलाइंस बनी हुई है कि अमेरिका के अंदर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, उनको अरेस्ट किया जा रहा है सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो प्रो पैलेस्टीनियन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर। और बहुत बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है, इतनी बड़ी प्रोटेस्ट अभी तक जब से वॉर स्टार्ट हुई है तो इतनी बड़ी जो है वो प्रोटेस्ट नहीं हुई जितनी कि अब जो है वो प्रोटेस्ट हो रही है वहां पे। और जो यूनिवर्सिटीज हैं 30 प्लस यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके स्टूडेंट्स बायकॉट किया हुआ उन्होंने, और वो फिलिस्तीन के हक में अमेरिका की रियासत के खिलाफ, स्टेट की पॉलिसीज के खिलाफ, और साथ में जो है वो इसराइल के खिलाफ इस टाइम पे जो है वो निकले हुए हैं। तो वहां पे हालात काफी ज्यादा खराब या काफी कशीदा हैं स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट को लेके। इसको डिस्कस करते हैं क्या मामला है। देखिए यहां पे आपको ये पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। इस पिक्चर के अंदर देखिए, पिक्चर 1 के अंदर तो ये कितनी बड़ी रैली है, इतनी बड़ी रैली शायद हमें पाकिस्तान में भी अभी तक देखने को एटलीस्ट नहीं मिली, क्योंकि यहां पे प्रोटेस्ट करने ही नहीं दी जाती फलस्तीन के हक में या इजराइल के खिलाफ। तो अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जो कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे सपोर्टर है, और अगर वो सपोर्ट छोड़ दे इस टाइम पे, ठीक है, इजराइल की, तो इजराइल एक हफ्ता भी जो है इस वॉर को आगे लेके नहीं जा सकता। तो वहां पर इतनी बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी वहां पर निकली हुई है और इस बात के लिए कह रही है, अमेरिका को प्रेशराइज कर रही है कि भाई आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं गलत तौर पर इसराइल को। अगर इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और पहले प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रोटेस्ट सबसे पहले ब्रुकलिन से स्टार्ट हुई जी, न्यूयॉर्क से, ठीक है, न्यूयॉर्क से ये स्टार्ट हुई और वहां पे तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया इस प्रोटेस्ट के ऊपर। और उसके बाद ये सिलसिला जो है फैलता चला गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज जो है या येल जैसी यूनिवर्सिटी जो है वहां पर भी स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है दुनिया की, वहां पर भी प्रोटेस्ट की जा रही है फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ। तो ये बहुत ही ज्यादा शान कुन बात है कि इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो हैं वो इस टाइम पे स्टेट की पॉलिसीज को जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ऊपर से आपको पता है कि 2024 जो है ये वोटिंग ईयर है अमेरिका के अंदर भी, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिसने अभी रिसेंटली ही तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है वो एक नई इमदादी पैकेज जो है वो मंजूर किया है इसराइल के लिए, और इसके बदले में उन्हें बहुत सा असला फिर से देने लगे हैं यूक्रेन के लिए भी और इसराइल के लिए भी, तो उसके ऊपर भी ये प्रोटेस्ट की जा रही है कि आप बार बार क्यों हेल्प कर रहे हो। तो यहां पर जो वॉर है गजा के ऊपर उसकी जो कैजुअलिटीज हैं उनको लेके कि भाई गजा में किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है और उसमें सपोर्ट हासिल है अमेरिका की, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल जो है ये सब कर रहा है लेकिन किसके इमा पे, किसके बिहाफ पे, अमेरिका के बिहाफ पे। सो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका जो है या स्टेट जो अमेरिकन है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए जो है ये यहां पे इसको सारे का सारे सिलसिला बिल्ड किया हुआ प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट एट यूनिवर्सिटीज के इस टाइम पे जैसे मैंने को कहा कि 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो हैं वहां पे इस टाइम पे जो है प्रोटेस्ट हो रही है, और वो जो यूथ है इस टाइम पे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्हें मुस्तकबिल संभालना है वो सारे के सारे इस टाइम पे अमेरिकन रियासत के खिलाफ या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो चुके हैं कि भाई आप क्यों जो है वो इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज को। टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज उसके अंदर शामिल हैं जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये सारी के सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया के अंदर, तो वो इस टाइम पे शामिल हैं। और वहां पे जो है इस टाइम पे फिलिस्तीनियों के हक में सिलसिला हो रहा है और वहां पे उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कैंप बिल्ड कर दिए हैं। कैंप समझते हैं जैसे इलेक्शन ऑफिस वगैरह होते हैं, आपने अक्सर इलेक्शन डेज में पाकिस्तान में देखा होगा कि वहां पे अपना अपना कैंप होता है, तो वहां पे कैंप बन चुके हैं मुस्लिम सॉलिडेरिटी के, फिलिस्तीनियों से जो है वो इजहार यकजहती के, और स्टूडेंट्स वहां पर जमा होते हैं, तकरीरें करते हैं रोज की बिना पे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसलिए वहां के हालात यूनिवर्सिटीज के इस टाइम पे बहुत खराब हैं। अगर हम देखते हैं रियासत का रिस्पॉन्स या पुलिस का रिस्पॉन्स और अरेस्ट वगैरह, तो इशू इसलिए बना हुआ है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नहीं, बल्कि इशू इसलिए बना हुआ है कि वो इन प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर रहे हैं। जैसे ब्रुकलिन के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, इस टाइम पे भी 300 प्लस लोगों को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से जो है वो अरेस्ट किया गया है और वहां पर हालात कशीदा हैं, ठीक है, और उनको अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि वो रियासत की पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं, कि रियासत की पॉलिसी क्या है कि वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे, इसीलिए तो अमरीका बार बार जो है वो वीटो कर रहा है, वीटो पावर को यूज कर रहा है, आपने देखा। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बावजूद कांग्रेस की मुखालफत के उन्होंने फिर भी जो है वो इमदादी पैकेज जो है वो इसराइल के लिए मंजूर किया, तो वो जाहिर बात है सारी चीजें ये सिलसिला देख रहे हैं। तो इसी तरह से साथ में जो काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस है CIR जो है उसने भी क्रिटिसाइज किया है पुलिस के इस रिस्पांस को कि भाई आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, दुनिया को जमहूरियत सिखाते हो, आप ये कहते हो कि भाई जमहूरियत के बिना कुछ नहीं है और 2024 जो है वो ईयर ऑफ डेमोक्रेसी आप कहते हो, लेकिन अपने ही मुल्क में अपने ही यूथ को आप प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हो और अरेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए जो हालात हैं प्रोटेस्टर्स के बीच में और पुलिस के बीच में वो कशीदा हैं अमेरिका के अंदर इस टाइम पे। और
अब ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको क्या इल्जाम दिया जा रहा है, इनको ये कहा जा रहा है कि ये एंटीसेमिटिक है, ठीक है जी, ये एंटीसेमिटिज्म जो सोसाइटी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो है। इसका मतलब ये है कि सिंपल अल्फाज में हम ये समझिए कहना चाह रहे हैं कि ये लादीन लोग हैं, यानी सेमिटिक मजहब कौन से हैं अगर हम बात करें इल्हामी मजहब की, कि इल्हामी मजहब कौन से हैं, इस्लाम इल्हामी मजहब है, ठीक है, यहूदियत इल्हामी मजहब है, ईसाइत इल्हामी मजहब है। तो अब ये तो इल्हामी मजहब हैं जो कि खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, और नॉन सेमिटिक कौन से रिलीजन्स होते हैं, जो कि जैसे हिंदुइज्म है या सिखइज्म है, ये सारे के सारे नॉन सेमिटिक हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सारे के सारे लादीन हैं मजहब से, जैसे पाकिस्तान में कोई बात की जाए तो यही होता है ना, तो वहां पे भी इनको लादीनी का जो है वो टाइटल दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के कुछ लोगों की तरफ से, कि भाई ये तो इनकी बात ना सुनो, इन्हें पकड़ो, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो सिविल राइट्स के जो मूवमेंट्स वगैरह हैं वो डेमोंस्ट्रेट कर रही है कि भाई ये क्या बात हुई, चाहे हम लादीन से ही, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये एंटीसेमिटिक कैसे हो गया, ये मजहब के खिलाफ कैसे हो गया, ठीक है। हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है जमहूरियत जिसको इंश्योर करती है, हम तो उसके हक में निकले हुए हैं, तो इसलिए वहां पर अब सिविल सोसाइटी भी जो है वो स्टूडेंट्स के हक में सामने आ चुकी है। इंपैक्ट ऑन ज्यूइश एंड इजरायली स्टूडेंट्स, इसका जो असर है अगर हम उसकी बात करें, और खास करके इसके असरात जो इस टाइम पे यहूदियों के ऊपर हो रहे हैं, जो यहूदी स्टूडेंट्स इस टाइम पे अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, उनके हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है जी, वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है कैंपसेस के अंदर, ठीक है। अब ये वही हालात हैं जो 9/11 के बाद मुसलमानों पर बने थे, कि 9/11 आपको पता है हुआ, ठीक है, उसका इल्जाम जो है उसामा बिन लादेन और मुसलमानों पर लगा, तो उसके बाद इस्लामोफोबिया हमने देखा कि हर साइड पर जो है वो इस्लाम से नफरत, दाढ़ी से नफरत, मुसलमानों को जो है नफरत की निगाह से देखना, ये खौफ मुसलमानों के खिलाफ, ये सारी चीजें हमने देखा। अब यही कुछ हो रहा है बिल्कुल इसके अपोजिट, के जो यहूदी हैं, ठीक है जी, यहूदी अब क्या कर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं अमेरिका के अंदर, और उनको चुन चुन के मारा जा रहा है, चाहे वो अमेरिकन मार रहे हैं चाहे मुसलमान मार रहे हैं, लेकिन एक नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो यहूदियों का सबसे बड़ा सपोर्टर है तो वहां पर इस टाइम पर उनको टारगेट किया जा रहा है, और वो अपने कैंपस से बाहर नहीं निकल रहे, निकल भी रहे हैं तो खुद को आइडेंटिफाई नहीं करवा रहे कि भाई हम जो हैं, और जो आइडेंटिफाई करवा रहे हैं वो ये कह रहे हैं भाई हमारा रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज का माहौल इस टाइम पर बिल्कुल भी जो है वो सेव नहीं है, किसके लिए, यहूदियों के लिए, ठीक है, वहां पे हालात इस तरह के बने हुए हैं। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी का रिस्पांस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई है जी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपको पता है वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, तो यहां पे जो है क्लासेस को कैंसिल कर दिया गया, इन पर्सन जो फिजिकल क्लासेस थी उनको कैंसिल करके हाइब्रिड क्लासेस जो है यहां पर की जा रही है। हाइब्रिड का मतलब यह है कि ऑनलाइन की जा रही है, एक एक दो दो क्लासेस को बुलाया जा रहा है ताकि ये इकट्ठे ना हो सके और इन सबको ऐसा ना हो कि फिर से प्रोटेस्ट का मौका मिल जाए। तो ऐसे हालात चल रहे हैं कि जो मुल्क बात ही एजुकेशन की करता था, तालीम की करता था और दुनिया को लीड कर रहा था एजुकेशन में, वहां अपने एजुकेशन के हालात जो हैं वैसे हैं कि इस प्रोटेस्ट को लेके जो है वो क्या हालात बने हुए हैं। तो इसलिए वहां पे भी हालात खराब हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी। पास और प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे जो कुछ ज्यूज हैं, सब नहीं, कुछ ज्यूज ऐसे हैं जो खुद को हुकूमत की पॉलिसीज से दूर कर रहे हैं, यानी कि इजरायली जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई वो ज्यूज की पॉलिसीज हैं, वो हम ज्यूज मतलब कौन से, वो कट्टर ज्यूज जो है जिनको आप ज़ायनिस्ट कह सकते हैं, वो कह रहे हैं भाई उनकी पॉलिसीज हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो खुद ये कह रहे हैं भाई हम इसको ऑन नहीं करते जो भी इजराइल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि वो अपनी गवर्नमेंट को जो है वो डिनाई कर रहे हैं। डिमांड्स क्या हैं इन प्रोटेस्टर्स की, इनकी डिमांड्स बहुत सिंपल सी हैं। सबसे पहली डिमांड तो ये कर रहे हैं अमेरिका से, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका जो है ये सारी जंग जो है, ये जो कैजुअलिटीज अभी 34,000 का नंबर क्रॉस कर चुकी हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका है। अगर अमेरिका वीटो ना करता बार बार, ठीक है, और अमेरिका अगर असलाह ना दे, अमेरिका अगर सपोर्ट ना करे इसराइल को, तो ये वॉर एक हफ्ता नहीं चल सकती, इसलिए वो अमेरिका को इसका जिम्मेदार समझते हैं। दूसरा वो ये समझते हैं कि भाई गजा के अंदर जो भी हो रहा है उसमें जो इमदाद दी जा रही है यूएस मिलिट्री की तरफ से, जो ऐड दी जा रही है वो खत्म की जाए, उसको खत्म किया जाए, और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज को रिकंसिडर करे, समझ रहे हैं, ये इनकी है। ब्रुकलिन मेजर प्रोटेस्ट जिसका जिक्र किया कि 2000 से ज्यादा लोगों को वहां पर अरेस्ट किया गया, और ये यूएस के सेनेटर की मेजोरिटी के जो लीडर हैं उनके घर के बाहर ये प्रोटेस्ट की गई थी, जिसके जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं अक्सर कुछ जैसे डी चौक है या फेमस जगह है, तो यहां पर की गई उसके जगह के तौर पर जो है फिर बहुत से लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया, और उन्हें अरेस्ट करके इस टाइम पे बाद में खैर छोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ पकड़े हुए हैं। तो अब इस टाइम पे अगर हम एट द एंड से देखते हैं तो जो यहूदी हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे यहूदी, जैसे यहां पे आपको इस पिक्चर के अंदर ये जो देखने को मिल रही है, ये एक यहूदी ऑथर है, और ये कहती हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है फलस्तीन के अंदर उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कट्टर यहूदियों के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है,
ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस्लाम में हम फंडामेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, कि भाई हम कोई भी अगर इस्लाम से रिलेटेड कोई इस तरह का इश्यू हो जाता है तो हम कहते हैं ये तो मौलवी है, ये तो मौलवी कर रहे हैं, भाई हम नहीं कर रहे, हम तो लिबरल हैं, समझ रहे हैं। तो ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई ये सब का सब जो है वो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो हुकूमत जो है या इसराइल की जो स्टेट है वो ज़ायनिज्म के कंट्रोल में है, तो वो कर रहे हैं। आम यहूदियों का इससे कोई लिंक नहीं है, यानी वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से अब डिफेंड करने की खुद को, और यहूदी जो वहां पर अनसेफ हो चुके हैं उनको सेव करने की, क्योंकि अब ये नफरत तो आगे बढ़ेगी और ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा। तो अब जो बहुत से लोग हैं खुद ही खुल के जो है, चाहे वो डबल माइंडेड ही सही, लेकिन वो खुद के सामने आ चुके हैं और अपनी ही गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको प्रेशर डाल रहे हैं। तो एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं और बात करते हैं कि इसका क्या जो है फ्यूचर हो सकता है, मुस्तकबिल में क्या इसका रिजल्ट निकल सकता है। देखिए सबसे पहली बात क्या होगी, सबसे पहली बात ये इलेक्शन ईयर है अमेरिका के अंदर 2024 का, तो इसका आप ये ना कहें कि कोई असर नहीं होगा। अल्टीमेटली इसका असर क्या होगा जी, सबसे पहला कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो हार जाएगी इलेक्शन। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन हार जाती है तो आपको पता है पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स है, तो उनके लिए तो लोगों का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए अब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये इस वॉर को रोकने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए इस टाइम पर वैसे भी जो रफा के ऊपर है वो इस टाइम पे जहाजों से अटैक किया जा रहा है, एयरफोर्स इजराइल के अटैक कर रही है, उसके बाद वो जमीनी जो है वो अंदर घुसेंगे, तो शायद ये उससे पहले कोशिश की जा रही है कि जमीनी जो है इजराइलियों को अंदर ना घुसने दिया जाए। रफा एक आखिरी बॉर्डर है, वरना तो ये बिल्कुल गजा सारा जो है ना उसकी पट्टी साफ हो जाएगी, वहां पर तो कोई नहीं बचेगा। 34,000 तो पहले शहीद कर चुके हैं, तो अब बच्चे कुछों को वहां मारने जा रहे हैं, तो अब इसका असर बहुत होगा। अमेरिका के अंदर पोलराइजेशन बढ़ रही है जो पाकिस्तान के अंदर भी थी, लेकिन वहां की पोलराइजेशन यहां की पोलराइजेशन से बहुत डिफरेंट है। इससे नफरतें फैलेंगी और अमेरिकन सोसाइटी जो है उसको इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद फलस्तीन को इसका फायदा हो जाए और बहुत सारी आवाजें जो पहले नहीं उठ रही थी फलस्तीन के हक में अब वो उठना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये सिलसिला है जी।